से बोल रही हूँ, निचली अदालत का जो भी फैसला है उस वर्डिक्ट को हमारी लीगल टीम ध्यान से देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी कि किन मुद्दों को हम किस तरह से रखे हैं और किन मुद्दों को किस तरीके से रखना चाहिए, ये हमारे लिए एक मैसेज होगा। और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। हम जुडिशरी सिस्टम का पूरा सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और उसी सिस्टम के तहत हमारा अगला कदम आगे बढ़ेगा। मैम ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आगे अपील करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन उम्र कैद की सजा अभी बहुत बड़ा झटका है कम से कम आसाराम के लिए। देखिए, झटका तो वही बहुत बड़ा था जो हम पर FIR हुई, वो कम बड़ा झटका नहीं था। और उस झटके के बाद मीडिया का जो ट्रायल हुआ वो कम बड़ा झटका नहीं था। उसके बाद हमारे गवाहों को मार करके हम पे आरोप लगा, वो कम बड़ा झटका नहीं था। तो झटके हम इतने झेल चुके हैं कि अब झटके भी हमसे झटकते हैं। अच्छा, ये लगातार जो है दलील दी जा रही थी आपके वकीलों की तरफ से कि उनकी सेहत को देखते हुए जो है उम्र का जो उम्र के